जी हाँ, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया है। व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों को एक ही फोन पर एक समय में दो अकाउंट्स लॉगिन करने की सुविधा मिलेगी। मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में एंड्रॉयड उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष सुविधा शुरू की जाएगी। दूसरा अकाउंट बनाने के लिए आपको एक दूसरे फोन और सिम कार्ड ऐसे किसी मोबाइल की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके पास अगर एक मोबाइल है, एक व्हाट्सएप है, तो आप एक ही व्हाट्सएप के अंदर अपने दो अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, आप व्हाट्सएप सेटिंग खोलें, अपने नाम के आगे बने तीर के निशान पर क्लिक करें और अकाउंट जोड़े पर क्लिक कर दें। यह आपको ऐप के भीतर दो अलग अलग अकाउंट संचालित करने की अनुमति देगा। इस सेटअप के लिए सिम के साथ दूसरे फोन या मल्टी सिम या ई सिम सुविधा वाले फोन की जरूरत होगी। आप हर अकाउंट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन और प्राइवेसी सेटिंग्स को मैनेज कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम ने भारत में जनरेशन एड यूजर्स के लिए चार नए फीचर्स प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने जन्मदिन, ऑडियो नोट्स, सेल्फी, वीडियो नोट्स और स्टोरीज में मल्टीपल लिस्ट जैसे टूल की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, आने वाले टाइम में आपको व्हाट्सएप के अंदर ऐसे ऐसे नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी बेस पर आप अपने जो बिजनेस है उनको इन्हेंस कर सकते हैं। आप एक ही अकाउंट के अंदर, आप एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में अपने दो दो अकाउंट आप चला सकते हैं। आपको बहुत से मोबाइलों में ऐसे होता है कि उसमें ड्यूल एप्लीकेशन की सुविधा नहीं होती। तो जी हाँ, व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है। ये अपडेट आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप इसके जरिए एक ही अकाउंट के अंदर अपने दो अकाउंट आप शुरू कर सकते हैं। आप एक को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपको सेटिंग में जाना है, अपने नाम के आगे आपको एक एरो दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है और वहां से आप अपना न्यू अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। है ना, कितनी कमाल की बात। तो आपको ड्यूल ऐप की जरूरत नहीं है। जिन भाइयों के पास में मोबाइल है, जिनके मोबाइल में ड्यूल ऐप का ऑप्शन नहीं है, तो आप दो नंबर आसानी से एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में आप चला सकते हैं।